हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कैसे मैनेज करें और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैक्सिमम कैसे स्कोर करें, यानी कि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट में हम कैसे लाएं। देखिए गाइस, शायद हो सकता है ये वीडियो आप में से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे, बट एक बार कोशिश जरूर करिए इस स्ट्रेटजी का। अगर आप 50 से लेके 60% भी अगर आप फॉलो कर पाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आज से जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उस सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स हैं अगर वो अभी 60 से 70% आ रहे थे तो मेरी गारंटी है कि आप उसमें 90% मार्क्स तक पहुंच जाओगे, यानी 90% क्वेश्चंस जो हैं वो आप सही कर लोगे। तो हो सकता है, मान लीजिए अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, किसी को कोई और स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, कोई अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाता है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाता है, कोई दूसरों को फॉलो करता है। तो जिसको अच्छा लगता है तो ये वीडियो उनके लिए है, जिनको नहीं अच्छा लगता है वो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पे देखिए दो चार चीजें मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा इसको। देखिए सबसे पहली चीज तो क्या होती है, हमें अपने माइंड में कुछ चीजें अपने को मतलब अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करना होता है। देखिए जो हमारा ह्यूमन मेंटेलिटी होती है वो ह्यूमन मेंटेलिटी की एक सबसे खराब चीज होती है, ये ह्यूमन मेंटेलिटी अपने आप को सेटिस्फाइड बहुत जल्दी कर लेती है। आपने कई बार ये चीज देखी होगी कि आज मैंने एक टाइम टेबल बनाया और हो सकता है उस टाइम टेबल का मैंने 60% फॉलो किया, मैं उस टाइम टेबल को 40% फॉलो नहीं कर पाया। मान लीजिए मैं एमपी जीके पढ़ रहा था और मैंने एमपी जीके में मैंने आज ये टारगेट बनाया था कि मैं ये तीन टॉपिक आज एनी हाउ फिनिश करूंगा, लेकिन आप तीन की जगह सिर्फ दो टॉपिक आप कवर कर पाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट दो टॉपिक इसके कवर कर लिए। अब आप क्या सोचते हो, चलो दो टॉपिक तो कवर कर लिए, एक टॉपिक कल देख लेंगे, मतलब आपने आज का जो काम था उसको आपने कल पे डाल दिया। यहां पे एक चीज और है, कई बार जैसे हम टाइम टेबल बना लेते हैं तो टाइम टेबल में हम अपने आप को थोड़ा सा टारगेट जो है वो ज्यादा दे देते हैं। अब आप टारगेट पूरा कर रहे हैं, आपने उसके लिए खूब मेहनत करी, तब जाके आप दो टॉपिक कंप्लीट कर पाए, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, आपने क्या किया, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया आपने, चला आपने सोचा चलो आज एक मूवी भी देख लेते हैं, तो आपने मूवी देखने में टाइम बर्बाद किया। एंटरटेनमेंट जरूरी है लेकिन अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, दोनों बातें मैंने आपको बता दी, ये दो बातें यहां पर आपकी हो सकती है। तो यहां पर ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपना जो माइंड है वो उसको सेटिस्फाइड बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने ये कहा, आपने एक तीन टॉपिक का टारगेट बनाया है तो उस तीन टॉपिक के टारगेट को आपको पूरा करना ही होगा। नहीं कर पाते, ढाई टॉपिक भी अगर आप कर लेते हैं तो चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने चलो कम से कम थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा हम अगले दिन के टाइम टेबल में एडजस्ट कर देंगे, अगले दिन आप और मेहनत करते हो, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, आपकी जो स्टडी का अगर आप आज शुरू करते हैं तो स्टडी का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, यानी इंक्रीजिंग रैंप होनी चाहिए, ना कि डिक्रीजिंग रैंप। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आपने आज वीडियो देखा, बहुत मोटिवेट हो गए और आपने एकदम से पढ़ना शुरू किया और आपने 8 घंटे आज पढ़ाई करी, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे वो टाइम आपका कम होता जाएगा। आप आज 1 घंटे पढ़िए, कल 2 घंटे पढ़िए, परसों 3 घंटे पढ़िए, इस तरीके से आप अपना टाइम लिमिट जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल मैनेज करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आपको सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज नहीं कर पाया कल कर लेंगे, ये एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बेकार चीज होती है। दूसरी एक चीज जनरली जो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं उसमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है, देखिए लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत पढ़ता हूं लेकिन मुझे याद नहीं होता है। देखिए लर्निंग एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ आप पे ही एप्लीकेबल नहीं है, दुनिया में जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं वो सब लर्न करते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, मेमोरी में रखते हैं उस चीज को, चाहे वो फोन का नंबर हो, चाहे वो न्यूज़पेपर की कोई खबर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके साथ एक जो माइंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है एग्जॉस्ट होने की, हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट जल्दी हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं अभी आप वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आगे जो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। माइंड को एग्जॉस्ट नहीं करना है, अगर आप दिन भर पढ़ते रहोगे, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आपका जो पढ़ाई का स्लोप है वो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो धीरे धीरे चीजों को एडेप्टिव बनाता है। अगर आप एकदम से बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप एग्जॉस्ट भी हो जाओगे और एग्जॉस्ट होने का खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आप चीजें भूल जाओगे। इसलिए धीरे धीरे पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। रिवीजन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप अपने दैनिक जो लाइफ है उसमें जरूर लेके आओ।
क्योंकि अगर आप लर्निंग के साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। लर्निंग करने का एक रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखते रहें। देखिए यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि मैं लर्निंग करनी है। आप कभी भी याद, आप जो भी चीज पढ़ते हैं, खासतौर पर अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगता जरूर कि आप भूल गए हो, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन के बाद जब उसके चार ऑप्शंस आप पढ़ते हो तो आपको वो चीज याद आ जाती है, क्योंकि हमारी मेमोरी में हमने उसको कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमने उसको अपनी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है। इसलिए ये कभी भी मत सोचें कि हमें याद नहीं हो रहा है। आप जो भी पढ़ रहे हो, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, वो आपको जरूर याद होगा। एक और चीज यहां पर मैं जनरली बताना चाहता हूं, हर बार लोग एक चीज कहते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला। तो किस्मत पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए आपको। किस्मत के लिए आप कभी किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, वो आपको बताएगा कि यार आपके साथ आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसका वो एक सॉल्यूशन भी देता है हमेशा। वो कहता है भैया ये पूजा करवा लो आप, ठीक है, पूजा से रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वो आपको एक लास्ट में, अगर कोई अच्छा ज्योतिषी है तो वो एक चीज बोलता है हठ धर्म। हठ धर्म से आप अपने जो हाथ की लकीरें हैं उनको बदल सकते हो। अगर किसी ने आपसे कहा है कि आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये हठ धर्म एक ऐसा धर्म होता है जिससे हाथ की लकीरों को बदला जा सकता है। मैंने कई ज्योतिषियों के, जो अच्छे ज्योतिषी हैं, उनके मुंह से ये चीज सुनी भी है, कई जगह मैंने इस चीज को पढ़ा भी है। हठ धर्म का क्या मतलब होता है, अगर उसने आपसे कह दिया कि आपकी किस्मत में नहीं है तो बस आपकी लाइफ में केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, उसने कहा है मुझसे इसका मतलब मेरी जिंदगी में नहीं है लेकिन मैं इसको लेके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हार्ड वर्क, हट धर्म मतलब क्या हो गया, हार्ड वर्क हो गया, आपने सोच के रखा है, जिद है ये आपकी कि नहीं मुझे MPSI क्रैक करना है चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, ये आपके अंदर चीज होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए किस्मत पे नहीं, अपने आप के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा, उससे ना तो ज्यादा मिलेगा ना तो उससे कम मिलेगा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम में 88 मार्क्स आए हैं लेकिन कट ऑफ गया है 91, यानी कि आपका 88 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, यहां पे किस्मत को मत कोसो, क्योंकि किस्मत को कोसते रहोगे तो एक दिन आपकी आदत भी किस्मत को कोसने की बन जाएगी। यहां पे ये सोचो कि अगर मैंने 2 क्वेश्चंस और सही किए होते तो शायद मैं 91 पे पहुंच जाता। इस चीज को आपको ऐसे सोचना है, ये अपने लाइफ में लेके आओ। इसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप जितने ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उसी हिसाब से आप चीजें भी पॉजिटिवली सोचोगे, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखें। देखिए मैं कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं हूं, मैं भी एक अनसक्सेसफुल इंसान हूं, लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, उन्हीं एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कई एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जहां पर मैं 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स से वापस लौटा हूं, नहीं हुआ है मेरा सिलेक्शन, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज सोची है कि शायद काश अगर मैं 1 या 2 क्वेश्चन और सही कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि अगर मैं ये सोच लूं कि यार मेरी किस्मत में नहीं है तो वो चीज अगले एग्जाम में मुझे जरूर अफेक्ट करेगी। तो आपको ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना, आपको रहना है पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए आपको करना होगा मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो आप ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट, ठीक है, स्टार्ट करिए 2 मिनट से। 2 मिनट जाइए, जो भी आपके मंत्र हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, गुरु हैं, जो भी हैं आपके, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मैं सारे धर्मों को मानता हूं, किसी भी धर्म के आप क्यों ना हो, आपको 2 मिनट का मेडिटेशन से स्टार्ट करिए और इसको कम से कम 15 मिनट तक लेके जाइए, ठीक है। स्टार्टिंग करिए 2 मिनट से, आज 2 मिनट, कल 2 मिनट, परसों 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 6 मिनट, इस तरीके से करके 15 मिनट ले जाइए 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, आप ड्रास्टिक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, आप किस्मत को कोसना बंद कर दोगे, और आप किस्मत को कोसना बंद करोगे तो आपको 100% सक्सेसफुल मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर, ठीक है। हमने आपसे कहा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है। मैंने भी यूट्यूब पे इस पोस्ट को कम्युनिटी टैब में डाला था, बहुत सारे लोगों ने, करीब 500-600 उस पर वोट्स आए थे, जिसमें ज्यादातर लोगों ने कहा है कि सर ये वीडियो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक सबसे पहले जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, पॉजिटिविटी के साथ एक बहुत अच्छी चीज आपके अंदर आएगी। जैसे मैं सोचता हूं चीजों पर, मैं वैसे बता रहा हूं, हो सकता है आप किसी और अलग तरीके से सोचते हो। जैसे मान लीजिए मुझे MPGK पढ़ना है और मैं आज से शुरू कर रहा हूं, मुझे MPGK में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है,
अगर मुझे एमपी जीके में बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो मैं अगर बात करता हूँ, एक मोटे तौर पे मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं आपका एक सिलेबस जो है इसको बहुत, आपको क्या लग रहा है बहुत बड़ा सिलेबस है यार, इतनी मोटी बुक कैसे हो पाएगी, मैं कैसे कर पाऊंगा इसमें, तो मुझे 2 महीने लग जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उस चीज को समझो। देखो आप भगवान तो हो नहीं यार, वो तो आप इंसान ही, तो आपको काम भी इंसान में जैसे करने होंगे, लेकिन मैं आपको सोचने का जो तरीका है वो भगवानों के तरीके से सोचने की कोशिश करवा रहा हूँ, क्योंकि मेहनत आप एक ऐसी चीज है जो आप करोगे तो 100% सक्सेस जरूर मिलेगी। एमपीजी के में मैक्सिमम अगर हम मान लेते हैं तो टोटल 30 टॉपिक्स होंगे, यानी 30-32 के आसपास चैप्टर्स होंगे। ऑन एवरेज हम 30-32 चैप्टर्स मान लेते हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, एवरेज अगर निकालेंगे तो 30 टॉपिक से ज्यादा टॉपिक्स नहीं निकलेंगे। अब मान लीजिए मैं एक हिसाब लगाता हूं कि 30 टॉपिक में अगर जो एक टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ टॉपिक्स को पढ़ने में कम टाइम लगेगा। मान लीजिए मुझे एक टॉपिक को पढ़ने में ऑन एवरेज मुझे 3 घंटे लगते हैं, मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूं, 3 घंटे बहुत ज्यादा बता दिया है मैंने, फिर भी मैं एवरेज बता रहा हूं 3 घंटे लगते हैं, और इसका मुझे रिवीजन भी करना है तो रिवीजन में मुझे 1 घंटा लगता है, यानी मुझे एक टॉपिक को कितने घंटे देने, 4 घंटे देने हैं। इस हिसाब से अगर बात करें तो टोटल 30 टॉपिक है, उन 30 टॉपिक को मुझे 4 घंटे देने हैं, जिसमें 1 घंटा मुझे डेली, 3 घंटे मुझे डेली उस टॉपिक को, एक टॉपिक को पढ़ना है, 1 घंटा उसका रिवीजन भी करना है उसी दिन। अगर मैंने इसको मॉर्निंग में पढ़ा है तो मुझे इसका इवनिंग में ही रिवीजन करना है, पढ़ने के तुरंत बाद रिवीजन नहीं करना है, पढ़ने के बाद इवनिंग में इसका मुझे रिवीजन करना है, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब आप देखिए 4 घंटे दे रहे हैं एक टॉपिक को, बहुत बड़ा टाइम दे दिया मैंने, 30 × 4 टोटल कितने घंटे होते हैं, 120 घंटे होते हैं। अगर मैं 120 को 24 से डिवाइड करूं तो टोटल कितना टाइम आ गया, 5 डेज। अगर मैं कंटिन्यू भगवान बन जाता हूं कुछ देर के लिए तो 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर सकता हूं, तो सब्जेक्ट का साइज तो बहुत छोटा है ना यार। अब आप चलो इंसानों पे आ जाते हैं, इंसान इतना नहीं पढ़ सकता, 5 दिन में पूरा एमपीजी के नहीं निपटा सकता है, तो हम इंसान बनेंगे, तो इंसान में क्या है, आपने 3 घंटा दिया और 1 घंटा आपने रिवीजन दिया, सुबह आपने क्या किया, एमपीजी के पढ़ा, ठीक है, कितने घंटे, 3 घंटे। इसके बाद 1 घंटे मस्ती करो, खूब एंटरटेनमेंट करो, जो करना है घर के काम करना है काम करो, बाहर घूमो, दोस्तों के साथ जाओ, 1 घंटे ऐस करके आओ। इसके बाद आके एक दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, सपोज मैंने हिंदी उठा लिया, ठीक है, एक दूसरा सब्जेक्ट उठाया हिंदी का भी, मुझे एक चैप्टर कितने घंटे पढ़ना है, एक सेटिंग में पढ़ना है, अगर एक सेटिंग में आप 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो 2 घंटे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से मैनेज करना। ये मैं एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आप गए तो आपने हिंदी उठाया, दूसरा सब्जेक्ट होता है, 3 घंटे आपने और पढ़ाई करी, शाम को फिर आपने 1 घंटे जब इसका रिवीजन किया था एमपीजीके का, उसके जस्ट बाद आपने 1 घंटे हिंदी का भी रिवीजन कर लिया, ठीक है, टोटल पढ़ाई कितनी होगी आपकी एक दिन की, 4 4 8 घंटे, आपने 8 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे में आप पूरी मस्ती करिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी फिलहाल एग्जाम मुझे नहीं लगता है कि आने वाला है, 8 घंटे अगर आप पढ़ते रहोगे डेली, 2 सब्जेक्ट आप पैरेलल में निपटा रहे हो तो बहुत जल्दी आप इस सब्जेक्ट को निपटा सकते हो। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे, 5 दिन का सब्जेक्ट है, 120 घंटे का सब्जेक्ट है, घंटे निकालो उसके, उस सब्जेक्ट को आप कितने घंटे में पढ़ सकते हो, ये 120 घंटे मैंने बहुत ज्यादा निकाल दिए, अगर आप इसको चाहोगे तो आप मैनेज कर लेना, खुद से करके देख लेना, एक बार रोज टॉपिक पढ़ना, रोज उसका रिवीजन करना और टोटल घंटे लिख लेना, एक डायरी में नोट कर लेना, अगर इससे ज्यादा टाइम निकल आए तो आप बोल देना मुझे, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस स्ट्रेटेजी पे आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हम पहले से भी तो पढ़ चुके हैं, तो हम हो सकता है 3 घंटे की जगह हम उसको 1 ही घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज कि आपको इतना सब पढ़ने के बाद जब आपका संडे आएगा, ये आपकी 6 दिन की पढ़ाई है, संडे जिस दिन आपका आता है या वीक में कोई सा भी दिन आप मैनेज कर लें, जिसमें आपको जिस दिन मान लीजिए 6 टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो एमपीजीके के पूरे वीक में, और 6 टॉपिक्स जो है वो आप पढ़ चुके हो हिंदी के, ठीक है, आपके पास कितने टोटल टॉपिक हो गए हैं, 12 टॉपिक्स हो गए हैं। इसको अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज करना है आपको, 6 की जगह हो सकता है आप 5 कर पाओ, दोनों के टोटल 10 हो जाएं, ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, आपके स्टेमिना के हिसाब से मैनेज करना होगा, ठीक है। संडे को एक बार फिर से आपने जितना भी पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, वीक में एक बार जितना भी आपने उस वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। दूसरी चीज, इतना सब आप अगर आप कर लोगे तो 1 मंथ के अंदर आप आराम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट्स निपटा सकते हो एक रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर पढ़ाई आपको करनी होगी, लेकिन पूरा महीना होने के बाद 10 डेज आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है, ठीक है ना। महीना पूरा हो गया, हमने भैया 2 सब्जेक्ट निपटा लिए, अब हमें एक बार फिर से रिवीजन करना है, एक बार फिर से आप रिवीजन कर लो। इसके बाद मैं गारंटी ले रहा हूं, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा,
नोटिफिकेशन आने के बाद आप फिर से एक बार रिवीजन करें और एग्जाम देने चले जाएं, आपका दिमाग बिल्कुल हल्का होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो। आपका दिमाग भारी कब होता है, एग्जॉस्ट कब होता है, जब आपको लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हल्का रखो, आप अपने आप को जितना हल्का रखोगे, अपने माइंड को जितना ज्यादा हल्का रखोगे, उतनी ज्यादा चीजें आपको याद भी होंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। अब एक और चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ MPGK। अब मुझे MPGK को पढ़ने का तरीका क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। पहली जो चीज है दैट इज थ्योरी, आप उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ोगे। तो जैसे हम नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, मैं आपको एक 3 घंटे जो पढ़ रहे हो उसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते हो, नॉवेल्स के हिसाब से पढ़ना है आपको, बस पढ़ना है, आप स्टोरीज पढ़ रहे हो, एक बार देखना है उसको, दैट इज ठीक है। इसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद इसको फिर से एक बार आप ऊपर आपने देख लिया पूरा, आपको पता चल गया कि ये मोटा इसका ये आइडिया आपको आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उसको थोरोली पढ़ना है। थोरोली जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको चीजें थोड़े से अच्छे से आएंगी, ठीक है। थोरोली हमने इसको पढ़ लिया, एक बार हमने थोरोली उस चैप्टर को पढ़ लिया, 3 घंटे हमारे पूरे हो गए, अब मुझे कुछ नहीं करना, शाम को मुझे 1 घंटे इसका रिविजन करना है, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद मुझे इन्हीं 3 घंटे में एक चीज और मैनेज करनी है, ये आपका बहुत जल्दी निपट जाएगा। थोरोली भी आप पढ़ोगे तो आप 1.5 घंटे से ज्यादा समय इसमें नहीं दे पाओगे। अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ये काम आप रिवीजन के लिए भी कर सकते हो, जब आप 1 घंटा रिवीजन करते हो तब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, ये आप इसमें भी कर सकते हो, जहां भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन पढ़ाने का तरीका ही होना चाहिए। थ्योरी के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे, बहुत सारी बुक्स आती हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद ये सब करने के बाद आपको अब चाहिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको यूट्यूब से और इंटरनेट से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप PEB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है बहुत अजीब से क्वेश्चन जो है वो PEB में पूछे जाते हैं, जो आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं। अगर आपने बुक्स पढ़ ली है तो आप ये मत समझिए कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है आज के समय में। मैं एनालिसिस करता हूं एग्जाम का तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया है इसका। ये बहुत 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर एग्जाम में MPPEB के जो बहुत मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमने वो कभी किसी बुक में नहीं पढ़े होते हैं। तो इसके लिए तैयारी आप YouTube और इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। YouTube चैनल्स आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको यहां से ये जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा चैनल है, किसी और का चैनल है, 2 या 3 चैनल, ज्यादा चैनल मत फॉलो करो, ज्यादा चैनल फॉलो करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। दो या तीन चैनल को आप थोरोली फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल आप बिल्कुल फॉलो करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, उनको आप करिए, फॉलो करिए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वो होती है टेस्ट सीरीज। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरे पास टेस्ट सीरीज है, आप मेरे पास टेस्ट सीरीज आके लगाइए। आपको टेस्ट सीरीज लगाना है जिसकी टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंटरनेट पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप सबकी टेस्ट सीरीज जिसकी भी आपको सही लगती है आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज से हम अपने आप को जज कर पाते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हमेशा आप प्रेफर करें। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में क्या होता है, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसका हमने टेस्ट लगाया, पढ़ने के बाद पूरा इतना पढ़ने के बाद हमने टेस्ट लगाया, अब हमने देखा हम 50 क्वेश्चन है उसमें, 50 में से मेरे नंबर कितने आए, 45 है, मतलब 5 नंबर की प्रिपरेशन की कमी है। जिस दिन आप इसमें 48-49 पहुंच जाओगे तब आप सोचना कि हाँ अब मैं एग्जाम में स्कोर कर सकता हूं। अगर आप 45 नंबर पे हैं तो ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये इतनी स्ट्रेटजी जो है आपको बनानी पड़ेगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अब मान लीजिए कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, आपने टेस्ट सीरीज में मान लिए 40+ स्कोर किया, आप 40 या लेस देन, मान लीजिए आप लेस देन 40 पे हो, लेस देन 40 पे अगर आप हो तो इस केस में आपको अब क्या करना है। इस केस में लेस देन 40 मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं है, आपको और इस पर मेहनत करनी होगी। अब आप इसका रिवीजन करिए, आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है उसको एक बार रिवीजन करिए, 2 बार रिवीजन करिए, ठीक है। टेस्ट फिर से आके टेस्ट दीजिए, ठीक है, फिर से आके वो क्वेश्चंस देखिए, आपको अपने आप से चीज समझ आ जाएगी कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो कितनी हो चुकी है, ठीक है। तो आप रिवीजन जो है, हम सबसे कम टाइम किसके लिए देते हैं, हम सबसे कम टाइम देते हैं रिवीजन के लिए। यही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग सफल होते हैं वो पढ़ते एक बार हैं लेकिन रिवीजन 5 बार करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, रिवीजन कम से कम 5 से 6 बार आपका होना चाहिए किसी भी टॉपिक के लिए। ये स्ट्रेटेजी आप अपना लीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूं 6 मंथ्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी एग्जाम में,
ये मेरी गारंटी है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको हो सकता है टाइम लग सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं तो यार यूपीएससी वाले बंदे बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन एमपीपीएससी जो है वो निकालना उतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, यूपीएससी के कंपेरिजन में। एमपीपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन है वो आराम से हम निकाल सकते हैं। हाँ, मेंस के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी और मेहनत की जरूरत पड़ती है। ठीक है गाइस, तो ये इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस स्ट्रेटजी का लाभ ले सकें। थैंक यू।